हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी फ्रॉम स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम स्टडी करने जा रहे हैं, जैसे हम अक्सर बोलते हैं, उसके होते हुए कोई मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता है, पिताजी के होते हुए तुमने ये काम कैसे किया, माताजी के होते हुए तुम घर से बाहर कैसे गई। तो ऐसे सेंटेंसेस में पिताजी के होते हुए, माताजी के होते हुए, मेरे होते हुए के लिए हम इंग्लिश में कैसे लिखते हैं और ऐसे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। मेरे होते हुए, मेरे के स्थान पर कुछ भी आ सकता है। मेरे होते हुए, उसके होते हुए, तुम्हारे होते हुए, पिताजी के होते हुए, माता जी के होते हुए। तो मेरे होते हुए के लिए हम लिखेंगे इन माई प्रेजेंस। उसके होते हुए, मेरे के स्थान पर जो भी आएगा उसी को हम माई के स्थान पर रिप्लेस कर देंगे। मेरे होते हुए इन माई प्रेजेंस, उसके होते हुए इन हिज प्रेजेंस, तुम्हारे होते हुए इन योर प्रेजेंस। मेरे के स्थान पर कुछ भी आ सकता है, मेरे के स्थान पर जो आएगा उसी को हम माई के स्थान पर, मीन्स माई के प्लेस पर रिप्लेस कर देंगे। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, मेरे के स्थान पर अभी तक कोई प्रोनाउन था, अगर कोई नाउन हो, मेरे मीन्स अगर कोई नाउन आ जाए पिताजी के होते हुए, माता जी के होते हुए, बच्चों के होते हुए, तो फिर हमें थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, चलिए देखते हैं। ये हमारा है प्रोनाउन के लिए और ये दोनों हमारा है नाउन के लिए। अगर यहाँ पर मेरे के स्थान पर कोई प्रोनाउन होगा तो हम सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले इन लिखेंगे पी ए सी। P का मतलब पजेसिव, A का मतलब एडजेक्टिव, C का मतलब केस। यानी जो प्रोनाउन आया होगा उसका पजेसिव एडजेक्टिव केस लिखेंगे, प्लस प्रेजेंस लिखेंगे, देन सेंटेंस, जो सेंटेंस होगा उसको लिख देंगे। कब? जब कोई प्रोनाउन आया होगा तो। प्रोनाउन आया होगा तो इन पजेसिव एडजेक्टिव केस प्रोनाउन का, प्लस प्रेजेंस, प्लस सेंटेंस। एज मेरे होते हुए इन माई प्रेजेंस, प्रोनाउन का पजेसिव एडजेक्टिव। उसके होते हुए इन हिज प्रेजेंस, तुम्हारे होते हुए इन योर प्रेजेंस। लेकिन अगर नाउन आ जाएगा पिताजी के होते हुए, बच्चों के होते हुए, तो थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेगी। क्या? ये दोनों हमारे हैं नाउन के लिए, तो हम क्या करेंगे, इन लिखेंगे, फिर जो नाउन होगा वो नाउन लिखने के बाद उसमें अपोस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे, प्लस प्रेजेंस लिख देंगे, देन सेंटेंस, और उसके बाद हम सेंटेंस को लिख देंगे। इन जो नाउन आया होगा पिताजी, तो पहले पिताजी, फादर लिखेंगे, फिर उसमें अपोस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे, प्लस प्रेजेंस, देन सेंटेंस। या फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ नाउन। जो नाउन आया होगा फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, चिल्ड्रन, जो भी होगा वो लिख देंगे, प्लस सेंटेंस लिख दिया जाएगा। नाउन होगा कोई तो वी हैव टू ऑप्शन, फर्स्ट इज दिस, सेकंड इज दिस, वी कैन यूज एनी ऑफ दिस टू। लेकिन अगर कोई प्रोनाउन है तो वी हैव ओनली वन ऑप्शन, दैट इज दिस। वो ये है इन पजेसिव एडजेक्टिव केस प्रेजेंस प्लस सेंटेंस। नाउन है तो इन नाउन, नाउन में अपोस्ट्रॉफी एस का यूज, प्लस प्रेजेंस, देन सेंटेंस। या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ नाउन, सिर्फ नाउन लिखा जाएगा, प्लस सेंटेंस। मैं उम्मीद करती हूँ ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम लोग ट्रांसलेट करते हैं इनटू इंग्लिश, हम लोग ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में और फिर वहां से सीखते हैं। मेरे होते हुए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे होते हुए प्रोनाउन है तो फर्स्ट कंडीशन होगी, पहले लिखेंगे इन, फिर पजेसिव एडजेक्टिव केस, इन माई प्रेजेंस, सेंटेंस तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट वरी, और
यू नीड नॉट वरी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यू डू नॉट और यू डोंट। आपको अच्छी तरीके से पता है कि डू नॉट को शॉर्ट में हम डोंट भी बोलते हैं। यू डू नॉट या यू डोंट नीड टू वरी। नेक्स्ट इज पिताजी के होते हुए वह तुम्हें नहीं डांट सकता है। अब देखिए पिताजी के होते हुए, पिताजी प्रोनाउन तो है नहीं, नाउन है, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, कौन से, या फिर ये या ये। तो चलिए पहले करते हैं इन। नाउन क्या है? पिताजी, इन फादर, अपोस्ट्रोफी इसका यूज करना है, इन फादर्स प्रेजेंस। और दूसरा है इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ नाउन फादर। देन सेंटेंस, वह तुम्हें नहीं डांट सकता है, मींस ही कैन नॉट और कांट, डांटना स्कोल्ड तुम्हें, यू ही कांट स्कोल्ड यू। नेक्स्ट इज उसके रहते हुए वह मुझे बाहर जाने की अनुमति नहीं दे सकता है। देखिए बात को समझिएगा, उसके रहते हुए या उसके होते हुए, बोथ आर सेम, दोनों की मीनिंग सेम है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। मैं बोलूं मेरे रहते हुए तुम ये काम कैसे कर सकते हो, या फिर मेरे होते हुए तुम ये काम कैसे कर सकते हो, तो चाहे मेरे होते हुए बोला जाए या मेरे रहते हुए बोला जाए, दोनों के लिए हम इन माई प्रेजेंस का ही यूज करेंगे। जैसे है उसके रहते हुए, यहाँ पर उसके रहते हुए को ही बोल दिया जाता, उसके होते हुए वह मुझे बाहर जाने की अनुमति नहीं दे सकता है, तब भी हम वही लिखते जो हम रहते होते या फिर होते के लिए लिखते। उसके रहते हुए प्रोनाउन है तो क्या करेंगे, इन पजेसिव एडजेक्टिव केस, हिज प्रेजेंस, इन हिज प्रेजेंस, वह मुझे बाहर जाने की अनुमति नहीं दे सकता है, मीन्स ही कांट, अनुमति देना परमिट, ही कांट परमिट मी, क्या करने की, बाहर जाने की, टू गो आउटसाइड। उसके रहते हुए वह मुझे बाहर जाने की अनुमति नहीं दे सकता है, इन हिज प्रेजेंस ही कांट परमिट मी टू गो आउट। मेरे रहते हुए तुम ये काम कैसे कर सकते हो, इन माई प्रेजेंस हाउ कैन यू डू दिस वर्क। उसके होते हुए तुमने यह काम कैसे किया, इन हिज प्रेजेंस। आगे सेंटेंस, उसके होते हुए माता जी पैदल कैसे गई, इन हिज प्रेजेंस हाउ डिड मदर गो ऑन फुट। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस तरह के सेंटेंसेस अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब आपको कोई भी सेंटेंस मिल जाए, कहीं का भी सेंटेंस मिल जाए, आप अच्छी तरीके से कर लेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर ओवर करते हैं। लेकिन अभी आप में से कोई अभी नया है हमारे चैनल पर, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप मेरे किसी भी वीडियो को मिस ना करें। अगर आपको कोई डाउट होता है किसी भी प्रकार का, या आपके माइंड में कोई क्वेश्चन होता है जिसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपकी कोई क्वेरी है, आपका कोई एडवाइस है मेरे लिए, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियोस में पहले हम आपके कंफ्यूजन को, आपके डाउट को क्लियर करूँगी, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे हम कल नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय टू ऑल, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बी हैप्पी, टेक केयर।